ड्रेसिंग और 11 से चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो उस समय से फिर शाम तक आप रात तक लगे रहते हैं। आप कब से आ रहे हो? 89 से स्टार्ट किया आपने। लेकिन आप दही बल्ले और ये नेहरू प्लेस आपके नाम से जाना जाता है, यहाँ ज्यादातर हम देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अभी आ गया हूँ मैं नेहरू प्लेस में। तो नेहरू प्लेस में मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे एक शर्मा जी हैं दही बल्ले वाले, तो उनकी जो दही बल्ला बहुत फेमस है, बहुत दिनों से लगाते हैं। तो अभी हम उनसे बात करेंगे और उसके उनके दही बल्ले को आपको दिखाएंगे और टेस्ट। दोस्तों अभी शर्मा जी से हम बात करेंगे और वो कुछ बताएंगे। शर्मा जी, आप कब तक सुबह खोल देते हो आप ये? सुबह 10:30 बजे चालू कर देते हैं। 11 से चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो उस समय से फिर शाम तक आप रात तक लगे रहते हैं? अच्छा अच्छा, माल 7 बजे तक लगभग खत्म हो जाता है आपका? पहले 5 बजे। और ये शुरू कब किया था आपने ये सारा काम? तीसरी पीढ़ी हो गई। दादा पापा और हम तीसरी पीढ़ी चल रही है। तो आप कब से लगा रहे हो? आप कब से आ रहे हो? 89 से स्टार्ट किया आपने। लेकिन आपका नाम हमने बहुत सुना है और इंटरनेट पे कोई भी देखता है, यूट्यूब वगैरह पे आपका नाम बहुत फेमस है। चाट का तो अलग ही तरीका होता है, अगर चाट ही बना के दोगे तो बंदा दूर दूर से याद करेगा। हाँ जी हाँ जी। नहीं तो दही बल्ले और ये नेहरू प्लेस आपके नाम से जाना जाता है, यहाँ ज्यादातर हम देखते हैं वीडियो में, तो आपके नाम से बहुत सारी वीडियो है वहाँ पे। तो बंदे आते हैं 2-2, 5-5 किलोमीटर से, 10-10 किलोमीटर से। अगर बढ़िया आइटम मिलेगा, बढ़िया चीज होगा तो कल 40 किलोमीटर दूर से आएंगे। तो यही आपके मतलब मेरे को लगता है दही बल्ले की यहाँ पे मतलब जो इतना फेमस है उसका राज यही है कि आप जिस क्वालिटी से मेंटेन करके सारा चीज साफ सफाई से रखते हो, हमने देखा है। और जब भी देखा है तो यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी। अभी मैं आया था, मैंने शूट किया था, बहुत भीड़ लगी थी। तो अभी हम भी खा के देखते हैं और फिर टेस्ट करके बताते हैं। मालिक एक बार दोस्तों, ये अभी दही बल्ले की प्लेट लगने जा रही है और ये देख रहे हो यहाँ पे गाड़ी गाड़ी दही और दही बल्ले यहाँ रखे हुए हैं। शर्मा जी बड़ी तेजी से ये बना रहे हैं और इसमें बर्फ रखा हुआ है, बहुत ठंडा ठंडा जबरदस्त दही बल्ले बन रहे हैं। अभी सब में दही बल्ले डाल रहे हैं और ये पीस पीस में कट कर रहे हैं अभी। ये मसाले आपके खुद के अपने मसाले बनाए हुए होते हैं? 16 आइटम। ये पीली मिर्च होती है? पीली मिर्च। इसमें 3 नमक होते हैं? 3 तरह के नमक। दही में भी क्रीम होती है? हाँ जी, इसमें भी क्रीम होती है। दही में क्रीम होती है? ये फिर से मसाले डाले जा रहे हैं ऊपर से। और ये ऊपर से पापड़ी डाल रहे हैं, ये इनकी चटनी आ गई, खजूर की चटनी। सर
ये देख लो आपका दे रहा हूँ, दो मिनट के अंदर सारी प्लेट खत्म हो गई। दोस्तों अभी हमने यहाँ से ना दही बल्ले की एक प्लेट ले ली है शर्मा जी के यहाँ से, और अभी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। 40 रुपये का एक प्लेट आता है, अभी टेस्ट करके मैं बताता हूँ, इतना फेमस है तो अभी हम टेस्ट करके बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका। दोस्तों टेस्ट वाइज ये बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ नेहरू प्लेस में फर्स्ट टाइम मैं आके टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने इसके बहुत से रिव्यू देखे थे, बहुत यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखे थे, बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था, तो मैं यहाँ आया, मैंने ये टेस्ट करके देख रहा हूँ। मुझे यहाँ पे प्रॉपर एक दही बल्ले का जो टेस्ट होता है वो मिल रहा है, दही भी बहुत गाढ़ी है, और ये जो यहाँ पे चटनी इन्होंने डाली है खजूर की चटनी है वो, और यहाँ पे ये बता रहे थे 16 तरह के मसाले ये डालते हैं, और दही बल्ले भी बहुत ठंडे हैं और बहुत टेस्टी है, खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।